Hey, welcome to Peach Passion. मेरे YouTube चैनल पे मैंने काफ़ी सारे DIY केप वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, बट मुझे Instagram पे इतना सुंदर केप का किसी ने डिज़ाइन रिक्वेस्ट किया था, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो फॉर दिस ऑल्सो. इसे कहेंगे हम फ्रंट ओपन केप या फिर एक केप श्रग. ये केप श्रग जो है थोड़ा सा इंडियन लुक पे पहना गया है, जो फोटोग्राफ है थोड़ा सा इंडियन लुक है, बट मैं इसे अपनी एक रिटायर्ड विंटर शॉल में से बनाने वाली हूँ. विंटर्स तो ख़त्म हो गई हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसे नेक्स्ट विंटर्स में पहनूंगी. तो मैं एक ओल्ड शॉल ले रही हूँ इसको बनाने के लिए, जिसका मेजरमेंट ऑलमोस्ट 35 से 40 इंचेस बाय 75 से 80 इंचेस तक का है अप्रॉक्स. पैटर्न बनाने के लिए न्यूज़पेपर पेन, इसके अलावा सीजर, इंची टेप, टेलरिंग पेंस, चॉक, ऑल्सो मैचिंग कलर का नेट फैब्रिक ले रही हूँ ताकि मैं पाइपिंग्स डाल सकूँ फिनिशिंग देने के लिए. न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर को ऑन फोल्ड मैंने रखा है. ये फोल्डेड एंड है और ये मेरा ओपन एंड है. ये जो फोल्ड है, फोल्ड के कॉर्नर को मैं मार्क करूंगी एज पॉइंट जीरो. सो अब सारी मार्किंग हमने पॉइंट जीरो से करनी है. आगे पॉइंट जीरो से फर्स्ट मार्किंग करूंगी मैं 3 इंचेस, जो कि नेक के लिए मार्किंग है. सेकंड मार्किंग मैं करूंगी 6 इंचेस, जो कि शोल्डर के लिए मार्किंग है. बट इफ यू आर ऑन अ ब्रॉडर साइड तो आप 7 या 7.5 इंचेस तक कर सकते हैं. आई एम अ पिटीट, सो मैं 6 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ. 6 इंचेस के बाद मुझे 2 इंचेस की मार्किंग एक्स्ट्रा करनी है. ये शोल्डर को एक्सटेंड कर रही हूँ मैं आगे, बट अगर आपने 7 इंचेस की मार्किंग की है तो आपने उस 7 इंचेस से 2 इंचेस की मार्किंग आगे करनी है. नेक्स्ट स्टेप है 2 इंचेस की मार्किंग से नीचे की तरफ मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, अंदाजे से 6-7 इंचेस. नेक ड्रॉ कर लेते हैं. तकरीबन 1 इंच का नेक मैं बना रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं बैक बॉडी पैटर्न बना रही हूँ, तो बैक नेक मुझे बहुत स्लाइट सा कर्व चाहिए. तो 1 इंच का मैं कर्व बना रही हूँ बैक नेक के लिए. अब नेक पॉइंट को मैं शोल्डर पॉइंट से अटैच करूँगी. इंच टेप को एज अ स्केल रख के थोड़ी सी डायगनल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है. अब ये जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की थी, यहाँ पे हमने अंदाजे से एक कर्व ड्रॉ करना है. पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ करके एक अंदाज़ा ले लेती हूँ, उसके बाद मैं उसे एक प्रॉपर लाइन दे देती हूँ. अब इस वर्टिकल लाइन को हमने लेंथ की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है न्यूज़पेपर की पूरी लेंथ तक. अब हम अपना पैटर्न कट कर लेते हैं. ये हमने श्रग का बैक बॉडी पैटर्न कट किया है. तो पहले हम अपनी शॉल को या अपने 35 इंचेस बाय 80 इंचेस के फैब्रिक को हाफ फोल्ड करेंगे, एंड फोल्ड से यहाँ से मैं इसे कट करूँगी ताकि मेरे पास कट करने के बाद 2 बराबर पीसेज ऑफ फैब्रिक आ जाए. तो मेरे पास 2 बराबर फैब्रिक आ गए हैं. तो फर्स्ट फैब्रिक मैंने लिया है, उसे मैं हाफ फोल्ड कर रही हूँ. ये क्लोज साइड है मेरी फैब्रिक की, ये ओपन साइड है. क्लोज साइड ऑफ फैब्रिक पे मैं अपने पैटर्न के क्लोज साइड को रखूंगी एंड फिर मैं उसे पिन कर दूंगी. तो ऑब्वियसली मेरे न्यूज़पेपर की लेंथ छोटी है, तो पैटर्न तो मेरा छोटे में ही खत्म हो गया है. तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कट तो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पूरा लेंथ चाहिए फैब्रिक का. इसके अलावा मैं विड्थ वाइज भी इसको कट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से एक डायगनल लाइन ड्रॉ करनी है. फैब्रिक की पूरी विड्थ इंक्लूड करनी है मुझे इसके अंदर, थोड़ा सा ए लाइन शेप देने के लिए. सी, मैंने अपने पैटर्न के साथ अपने फैब्रिक को रखा और मैंने कट किया है सीम अलाउंस छोड़ के. थोड़ा सा आर्म लेंथ के बाद मैंने डायगनल लाइन ड्रॉ की है पूरी की पूरी विड्थ ऑफ द शॉल तक, एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द शॉल तक. अब मैं पिंस निकाल देती हूँ. पैटर्न मैंने अलग कर लेना है, बिकॉज मैंने इसी पैटर्न को मॉडिफाई करना है फ्रंट बॉडी पैटर्न बनाने के लिए. तो पैटर्न को मॉडिफाई करेंगे सबसे पहले नेक, जिसमें मैं 1 इंच का डेप्थ और डाल रही हूँ. तो अब यहाँ पे मेरा नेक 1 इंच डीपर हो गया है. इसके अलावा जो शोल्डर पॉइंट हमने 6 इंचेस में मार्क किया था, वहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का सबसे ईजी मेथड है कि मैं वहाँ से न्यूज़पेपर को फोल्ड कर दूँ ताकि मेरे पास एक क्रीज बन जाए, और उस क्रीज पे मैंने पेन से लाइन ड्रॉ कर देनी है. अब अपना फ्रंट बॉडी पैटर्न को भी कट कर लेते हैं.
एंड जो फ्रंट सेंटर बॉडी है उसको भी हमने बीच में से कट कर लेना है, क्योंकि हम फ्रंट ओपन श्रग बना रहे हैं इसलिए पैटर्न को भी बीच में से ओपन कर लेते हैं। अब बेसिकली इस पैटर्न में मेरे पास फोर पार्ट्स आ गए हैं, दो पार्ट्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के लिए एंड दो पार्ट राइट साइड ऑफ द बॉडी के लिए। तो अब मैंने ऑन फोल्ड अपने पैटर्न को रखा है एंड मैंने पिन कर लिया है इसको। सो नेक साइड मैंने क्लोज साइड ऑफ द फैब्रिक पे रखा है, इसके अलावा मैंने ओपन साइड अपना द अदर साइड पे रखा है। शोल्डर के बाद मैंने कर्व वाला पैटर्न रखा है बीच में थोड़ा सा सीम अलाउंस छोड़ते हुए। अब ये जो सेंटर पार्ट है इसको मैंने लेंथ की तरफ जाते हुए एकदम सीधा सीधा रख के कट कर लेना है, बिकॉज मेरे को पूरी लेंथ चाहिए तो मैं पूरा सीधा सीधा रख के कट करूँगी। जो दूसरा पार्ट है उसको मैंने दोनों साइड से डायगनल रखना है, दोनों साइड से डायगनल मैंने रखना है बिकॉज मुझे थोड़ा सा ए लाइन शेप चाहिए, तो ए लाइन शेप मैं साइड वाले पैनल में दोनों साइड पे देने वाली हूँ। तो जैसे मैंने फर्स्ट पैटर्न या बैक बॉडी पैटर्न में किया था, आर्म लेंथ की तरफ से मैंने डायगनल लाइन ड्रॉ कर दी थी टूवर्ड्स द विड्थ ऑफ द फैब्रिक, ऐसे ही मैंने इसमें भी करना है। और फिर जब मैं फ्रंट को कट करके बाहर निकालूंगी तो ये साइड पैनल में मेरे पास अपने आप ही डायगनल दोनों लाइंस आ जाएंगी, मतलब इनर तरफ भी एक डायगनल मेरे पास फैब्रिक आ गया और आउटर की तरफ भी डायगनल फैब्रिक ऑटोमेटिकली कट हो गया जब मैंने सेंटर पार्ट को स्ट्रेट कट किया है। तो यहाँ पे भी मेरे पास फोर फैब्रिक्स आ गए हैं फ्रंट बॉडी के लिए। अब मैंने नेट फैब्रिक को चार पांच पार्ट्स में फोल्ड किया है ताकि मैं उसको सीधा कट करूंगी तो मेरे पास एक ही बारी बहुत लंबा पाइपिंग के लिए फैब्रिक आ जाएगा। अब मैंने अपने फ्रंट बॉडी पैनल को स्टिच करना है। स्टिच करते टाइम मुझे एक बार ध्यान देनी है कि मैं शोल्डर से लेंथ की तरफ सबसे पहले 10 इंचेस तक ही स्टिचिंग करूंगी और वहां पे मैं उसे लॉक कर दूंगी। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने शोल्डर से आर्म की तरफ जाते हुए 10 इंचेस तक स्टिच किया है और मैंने बैक साइड में उसको इंटरलॉक किया है ताकि मेरा फैब्रिक जो है वो खुल नहीं जाए। और ये मेरा कर्व साइड है बाजू के लिए और वो मेरा नेक है। ऐसा ही मैंने दूसरी साइड के पैनल को भी कर दिया है। अब मैंने अपनी साइड की स्टिचिंग करनी है नेक लाइन से टूवर्ड्स द आर्म टूवर्ड्स द लेंथ, पूरा का पूरा मैंने साइड में इसको स्टिचिंग करना है दोनों तरफ से ताकि मेरा केप जो है वो बंद हो जाए। अब इस पार्ट पे आपको इसे ट्राई करना है, तो मैं तो डमी पे आपको पहना के दिखा रही हूँ। देखिए शोल्डर पे थोड़ी सी लूज है ये, तो मैंने उसको थोड़ा सा पुल किया है और मैंने उसको पिन कर दिया है। तो जहाँ तक मुझे शोल्डर के कर्व को टाइट करना है वहाँ तक मैंने उसे पिन लगा के टाइट कर दिया है। स्टिच करके मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर दूंगी। इसके अलावा मैंने पाइपिंग लगाई है, अपने नेट की स्ट्रिप को मैंने फ्रंट की तरफ स्टिच किया है एंड उसे जब मैं बैक में फोल्ड करूंगी तुरपाई करूंगी तो यहाँ पे नीट लुक आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको पिन लगा के दिखा रही हूँ पाइपिंग्स। एंड मैंने अब आर्म पे काम करना है, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने ऊपर से 10 इंचेस स्टिच किया था, इसके बाद मैंने 10 इंचेस का ही यहाँ पे गैप छोड़ना है ताकि मेरी बाजू को ओपनिंग मिल जाए एंड उसके बाद मैंने रिमेनिंग फैब्रिक को हेम लाइन तक स्टिच कर देना है। ये 10 इंचेस का गैप मैंने छोड़ा है ताकि मेरी बाजू यहाँ पे अच्छे से चली जाए। फिर ये गैप को भी स्टिच कर देंगे हम पाइपिंग लगा के, जिससे इसको भी नीट एजेस मिल जाएंगे। देखिए पाइपिंग मैंने लगा दिया है स्टिच करके। तो अब जब मैं पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी तो यहाँ पे मेरे आर्म्स की ओपनिंग भी एकदम नीट एंड क्लीन लुक वाली हो जाएगी। अब सारी की सारी पाइपिंग्स को मैंने तुरपाई से लॉक करना है और मैंने कॉर्नर ऑफ द नेक पे एक या दो हुक लगाने हैं, एक तरफ हुक लगाना है दूसरी तरफ आई लगाना है, प्रेफरेबली ऑन द राइट ऑफ द श्रग मैंने हुक लगाना है ताकि राइट हैंड से मैं आई के अंदर अपने हुक को डाल सकूं। एंड आफ्टर ऑल दैट बेसिक हेमिंग एंड हुक लगाने के बाद मेरा श्रग वुड बी रेडी। तो यू कैन बेसिकली एक्सपेरिमेंट विद द लुक। एक इंडियन फोटोग्राफ का श्रग मुझे रिक्वेस्ट किया था तो आई मेड इट इनटू अ वेस्टर्न स्टाइल का श्रग। किसी भी टाइप का कलर किसी भी टाइप के फैब्रिक में आप इसे बना सकते हैं।
मैं अपने सारे फैशन DIYs की फोटोग्राफ्स अपने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे अपलोड करती रहती हूँ, सो यू कैन फॉलो मी देयर इफ़ यू वांट टू चेक ऑल दोज लुक्स। इवन आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे किसी भी DIY की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के नीचे देती हूँ। ऑल्सो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे फैशन DIYs, DIY केप वीडियोज, फैशन ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, so you can check them out as well. Thanks for watching.